इडली डोसा के साथ में खाई जाने वाली कोकोनट चटनी वैसे तो बहुत ही सिंपल होती है, बस चर्न करना होता है, बन गई चटनी। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये चटनी गड़बड़ भी कर सकती है। तो इससे जुड़े हुए काफी सीक्रेट्स आज बताने वाले हैं हम। कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी स्वागत करता हूँ अनिज किचन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने किचन में। बेसिक चटनी के लिए हरी मिर्च, कच्चे चने की दाल है, रोस्टेड कीवी दाल नहीं है ये, नॉर्मल कच्ची दाल है, अदरक है और ये है कद्दूकस किया नारियल। मोटे मोटे चंक नहीं होने चाहिए, बहुत ही बारीक कद्दूकस किया नारियल होना चाहिए, क्योंकि अगर मोटा रहा तो आपको बहुत देर तक मिक्सी को घुमाना पड़ेगा, उसकी वजह से नारियल तेल छोड़ देगा। आमतौर पे भुने हुए चनों का ही इस्तेमाल होता है, होटल रेस्टोरेंट में भी इसी का इस्तेमाल होता है, तो इसी को रेसिपी बना दिया है। लेकिन अगर आप कच्चे चने को भून के यूज करेंगे तो उसका टेस्ट इससे बेहतर आएगा। एक बार ट्राई कीजिए, दोनों ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताना कौन सा बेहतर है। चने की दाल को भूनने का भी एक तरीका है। सबसे पहले एक पैन के अंदर ऑयल ले लीजिए, ऑयल के अंदर डाल दीजिए हमारी दाल। टेम्परेचर क्या रहेगा, बिल्कुल लो। अगर बीच में अगर टेम्परेचर आपको ज्यादा लगता है तो आप गैस को भी बंद कर देना। ध्यान रहे कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो दाल ऊपर से पक जाएगी लेकिन अंदर से उसके अंदर कच्चापन रह जाएगा। जैसे जैसे दाल पकती है वैसे वैसे ये बहुत ही अच्छी और क्रंच हो जाती है। ये क्रिस्पी और कड़क नहीं होती है, क्रंच रहता है। जैसे ही आप दांतों के बीच में दबाएंगे तो ये बिखर जाएगी। ये देखिए, ये हो गया है। अगर इससे कम कलर रखते हैं तो इससे कम कलर रखिए। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कोकोनट चटनी बेसिक वाली। एक कप हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल ले लिया है, एक हरी मिर्च ले ली है, चेक कर लें ज्यादा स्पाइसी ना हो, और उसी के साथ में अदरक ले लिया। अदरक की जो शार्पनेस होती है बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आती है। और ये रही हमारी दाल जो हमने अभी भुनी थी, आप चाहें तो उसको भिगो के भी रख सकते हैं, अच्छी जल्दी पिस जाएगी, और साथ में स्वाद अनुसार नमक। चलिए इसको सबसे पहले ऐसे ही पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया पहले, तो ये देखिए इस तरह से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे। ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये नारियल का ही पानी है। आमतौर पर इसका चटनियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हाँ सेहत में तो है ही अच्छा। और ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, इससे ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम ग्रीन कोकोनट चटनी की तरफ। एक कप नारियल लिया है, उसी के साथ में धनिया लिया है, उसकी डंठलों के साथ में फेंकनी नहीं है डंठल, और साथ में थोड़ा सा पुदीना, पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम, और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च ज्यादा स्पाइसी ना हो इस बात का ध्यान रखें। और ये रही वही चने की दाल जो हमने अभी रोस्ट की थी। हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें आपको दिखाया है कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी पीसने के लिए। और अदरक तो डालनी है क्योंकि अदरक की जो शार्पनेस होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ में इसमें खट्टेपन के लिए हमको थोड़ा सा इमली का इस्तेमाल करना है। ये एक इंच इमली थी जिसको हल्के से गर्म पानी में इस तरह से इसका पल्प निकाल दिया और इसको अब चर्न करना है, लेकिन बिना पानी डाले। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये नॉर्मल पानी है, वो कोकोनट वाटर इतना ही था जो कि मैंने इस्तेमाल कर लिया है। इसको दोबारा हमने पीसा। ये देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा देर तक पीसना नहीं है। चटनियां तो बन गई है लेकिन अब उसका मेकअप बाकी है, मतलब कि उसका तड़का बाकी है। यहाँ पे वही तेल का इस्तेमाल किया है जो मैंने चने की दाल को फ्राई करने के लिए किया था। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल का तड़का मारा है, ये भी बहुत ही लो फ्लेम पे इसको तड़का मारना है। कच्ची नहीं रहती है, इसी तरह से इसको तड़का मारेंगे तो बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी और अच्छी तरह से सिक भी जाएगी। थोड़ा सा भुनिए, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर। उसी के बाद में हमको डालना है इसके अंदर ये सूखी लाल मिर्च। अब तड़का जाएगा हमारे सरसों के दानों का। राई का तड़का नहीं लगाना, सरसों के दानों का तड़का लगाना है। और उसके बाद में हमको डालनी है हमारी हरी हरी करी पत्ता। और ये देखिए, इसको भूनना है जब तक कि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट जैसी नहीं हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गई हमारी ट्रांसपेरेंट ऐसी। अब कर दीजिए फ्लेम को बंद और तड़का डाल दीजिए हमारी चटनी में। ध्यान रहे कि इसके अंदर तेल मत डाल देना, तेल का इस्तेमाल कम से कम करना तड़के के अंदर। तेल बचा लेना अपनी सब्जी वब्जी में इस्तेमाल कर लेना, लेकिन तेल कम से कम डालना। चटनी के अंदर तेल चला जाता है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये लीजिए,
ये हो गई हमारी एक बेसिक कोकोनट चटनी और एक ग्रीन कोकोनट चटनी, दोनों तैयार। अब इसको खाइए डोसा के साथ में, इडली के साथ में, वड़े के साथ में, किसी के साथ में खाइए। और हाँ, डोसा और इडली के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।